दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो है आप किस तरह से ज़ीरोधा एप्लीकेशन के ऊपर TOTP का यूज कर सकते हो। अब ये TOTP होता क्या है और ये किस चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं हम, तो TOTP का लॉन्ग फॉर्म है टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड। अब ये क्यों हम बेसिकली ज़ीरोधा के अंदर यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली हम हमारे डीमैट अकाउंट को हैकर से बचाने के लिए इस चीज़ को यूज़ करते हैं, क्योंकि लेटेस्ट में अभी बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे हैकर्स आपके डीमैट अकाउंट को हैक कर रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आपके जो भी स्टॉक्स हैं वो सभी CDSL के अंदर बिल्कुल सेफली रखे हुए हैं और उस स्टॉक को आपकी मर्जी के अलावा कोई भी सेल नहीं कर सकता। साथ ही साथ आप सबको ये भी पता होगा कि अगर कोई आपके स्टॉक को सेल कर भी देता है तो उसकी जो अमाउंट आएंगी वो आपके ही अकाउंट के अंदर आने वाली है। तो आप सब ये सोचेंगे कि हैकर्स किस तरह से आपके डीमैट अकाउंट से अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर आपके ब्रोकर के पास TOTP की सर्विस नहीं है तो बेसिकली हैकर्स को अगर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल गया आपके डीमैट अकाउंट का, तो वो आपके अकाउंट के अंदर लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद आपके जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे स्टॉक वो सेल कर देंगे। उसके बाद बहुत ही सिंपल सी बात है, आपके ज़ीरोधा के अकाउंट के अंदर सारे पैसे आ जाएंगे जैसे आप स्टॉक को सेल करते हो। और अगर हैकर विड्रॉल भी करता है तो वो आप ही के बैंक अकाउंट के अंदर आइए, राइट। तो बेसिकली हैकर इस टाइम पे क्या करता है, जैसे ही आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ जाते हैं वो किसी पेनी स्टॉक को पकड़ता है और वो पेनी स्टॉक जिसकी वैल्यू 5 पैसा 10 पैसा ऐसे हो सकती है वो उसके प्रमोटर्स के साथ कोलैब कर सकता है और आपके पैसे से वो उस कंपनी के जितने भी पेनी स्टॉक है उसको बाइंग का ऑर्डर दे सकता है। जिस वजह से क्या होगा, आपके अच्छे स्टॉक तो आपके अकाउंट से चले गए लेकिन जो पेनी स्टॉक है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है ऐसे फ्रॉड स्टॉक को वो परचेस कर लेगा आपके पैसे से। अब इसके अंदर उसका क्या फ़ायदा है, अब जैसे ही वो स्टॉक को परचेस करने का ऑर्डर डालेगा दूसरी तरफ से वो प्रमोटर को बोल देगा दूसरे पेनी स्टॉक कंपनी के कि उसी समय पे उसका प्रमोटर सेलिंग के ऑर्डर डाल देगा स्टॉक को, तो पेनी स्टॉक आपके अकाउंट में आ गए और आपके पैसे से जो पेनी स्टॉक खरीदे गए हैं वो पैसे चले गए सामने वाले प्रमोटर के पास। अब वो प्रमोटर क्या करेगा, अब उस प्रमोटर के पास तो आपका सारा पैसा चले गया लेकिन उसके स्टॉक की वैल्यू बिल्कुल नहीं थी, वो तो पेनी स्टॉक थी, चिल्लर स्टॉक था वो, तो वो प्रमोटर इसको पीछे से पैसे दे देगा कि इसने अच्छा काम किया इसके वजह से इसका सर्विस चार्ज। और जैसे ही ये हैकर को पैसे देता है, हैकर की कमाई हो गई, वहाँ पे प्रमोटर अमीर बन गया आपके पैसे से, लेकिन यहाँ पे चूना लगा आपको। पर आपको इस फ्रॉड के अंदर नहीं फंसना है तो आपको इस TOTP की सर्विस को ज़रूर एक्टिवेट करना चाहिए। और वो एक्टिवेट कैसे करते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सपोज दैट अगर आपके पास ज़ीरोधा का एप्लीकेशन है तो जैसे ही आप ज़ीरोधा को ओपन करते हो वैसे ही अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाइए और जैसे ही आप प्रोफाइल के अंदर जाएंगे वैसे ही आपको यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के सामने मैनेज दिखेगा। आपको मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही मैनेज के ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पे चेंज पासवर्ड और चेंज पिन का ऑप्शन आता है। वैसे तो आपको रेगुलरली हर 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर अपने पासवर्ड और पिन को चेंज करना चाहिए, लेकिन सपोज दैट अगर आप नहीं करते हैं तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए और यहाँ पे नीचे लिखा है 2-factor TOTP और सामने लिखा है डिसेबल। अब ये डिसेबल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मैंने ये सर्विस ऑफ करके रखी है, लेकिन जनरली ये ऑन रहती है मेरे अकाउंट के अंदर। अब सपोज दैट आपको ये ऑन करनी है तो आप यहाँ पे इनेबल 2-factor TOTP कर लीजिए। ये आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर एक कोड भेजेगा, आपको वो OTP यहाँ पे डालना है। सपोज दैट यहाँ पे मैं वो OTP डाल देता हूँ और इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको वेरीफाई करता हूँ वैसे ही ये मुझे पूछेगा 6 डिजिट का TOTP कोड। तो आपको ये TOTP का कोड कहाँ से मिलने वाला है, तो ये 6 डिजिट का TOTP नंबर आपको जानने के लिए आप गूगल ऑथेंटिकेटर या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर को अभी इंस्टॉल किया है मेरा फ़ोन डिवाइस के अंदर, इसलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ यहाँ पे एक नंबर आता है जो 6 डिजिट का है और आप देख रहे होंगे जैसे ही कुछ सेकंड होते हैं ये नंबर अपने आप चेंज हो जाता है, यानी कि हर 20 सेकंड के अंदर ये नंबर चेंज होते रहता है। जब भी आप किसी ऐसे डिवाइस से लॉगिन करते हो अपने ज़ीरोधा के अंदर जिसका IP एड्रेस डिफरेंट है आपके रेगुलर डिवाइस से, तो आपको ये TOTP नंबर डालना कंपलसरी हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 6 डिजिट का TOTP नंबर है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सपोज आप स्कैन नहीं कर सकते तो यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे एक की आपको देंगे, ये की को कॉपी कर लीजिए और ये की को ओपन करना है आपको गूगल ऑथेंटिकेटर के अंदर।
यहाँ पे एंटर सेटअप की है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैंने ये सेटअप की को लिंक कर दिया है। यहाँ पे एक 3 डिजिट का नंबर आया है जो मैं अभी ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक कर दिया, वैसे ये मेरा TOTP का ऑथेंटिकेशन ऑन हो गया है। और आप देख सकते हैं ज़ीरोधा ने मुझे यहाँ पे अपने एप्लीकेशन से बाहर निकाल दिया है और ये बोल रहा है कि मुझे अब सारे डिवाइसेस के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा अपना पासवर्ड डाल के। अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने TOTP डाला है मैं लॉगिन कर चुका हूँ मेरे अकाउंट के अंदर। और अगर आपको इसको डिसेबल करना है तो आपको वापस से प्रोफाइल के अंदर जाके पासवर्ड एंड सिक्योरिटीज़ के अंदर जाके यहाँ पे नीचे डिसेबल करना पड़ेगा। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप बिल्कुल भी इसको डिसेबल मत रखिए कभी भी। अगर आप ज़ीरोधा यूज़ करते हैं तो ज़रूर इस फैसिलिटी को यूज़ करिए और अपने डिमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को सेफ एंड सिक्योर बनाइए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और फाइनेंशियल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। और अगर अभी तक आपने डिमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा के अंदर ओपन करवाएंगे तो आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिल सकती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।